आप देख रहे हैं जहर एजुकेयर, और आज आपके चैप्टर का पहला चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर टू, भारत में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आपके आँख के सामने है, इसे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म, साम्राज्यवाद मतलब किंगडम, राज, नेशन। इसमें क्या है क्या नहीं है इसको चलिए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। बहुत सारे का कमेंट आ रहा है कि एमसीक्यू। तो बाबू मेरे, भैया मेरे, जब चैप्टर को फुल पढ़ ही रहे हैं तो एमसीक्यू क्यों नहीं पढ़ाएंगे? टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर को पूरा होने दीजिए। एक क्लास आपका एमसीक्यू पे रहेगा, सिर्फ एक वीडियो सिर्फ एमसीक्यू। 30 से 40 एमसीक्यू हम आपको देंगे इस चैप्टर से, कहीं नहीं जा रहा है। तो चलिए हम लोग टॉपिक में चलते हैं, समझ गए, निराश नहीं करेंगे, पूरा पूरी पढ़ाएंगे, एमसीक्यू प्लस नोट्स। चलिए देखिए, 19वीं सदी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा जूम करते हैं, 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा। कहा जा रहा है कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई, मतलब कि 100 भाग का कितना भाग कहिएगा, 75 भाग पूरा हो चुका था, संपूर्ण कंप्लीट, और एक भाग बच चुका था। अगर हम 25-25 का करेंगे तभी ना हुआ, 3 भाग 75 का, 1 भाग 25 का, तो 1/4 मतलब कि 1 का या 100 का 3 हिस्सा बीत गया था। और उसमें बोलता है कि राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा। कहने का मतलब कि राष्ट्रवादी जो भी थे, जितने लोग देश के लिए, देश के उन्नति के लिए, देशभक्ति के लिए थे, उन लोग में अब आदर्श नहीं रहा, उदारवाद भी नहीं रहे, जनतांत्रिक भी नहीं रहे। ये जितना स्वभाव है सब खत्म, जो सदी के प्रथम भाग में था। तो जैसा कि 1810-20 के सालों में था, मोहब्बत, जुनून, जज्बात, वो आपका 1870 में नहीं था। क्यों नहीं था तो हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब राष्ट्रवाद समिति सीमित लक्ष्य वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों के राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। यानी कि हर एक का विचार संकीर्ण हो गया, संकीर्ण मतलब बहुत छोटा। हर कोई अपने राज्य को बढ़ाने में तुल गया कि कैसे हम अपने राज्य का, राष्ट्र का विस्तार करें। जिस तरह से 1807 में यूके यानी ब्रिटेन ने किया, उसी तरह हर एक शक्तियां अपने राष्ट्र का विस्तार में, देश को बढ़ाने में लग गए, और हर कोई अपनी शक्तियों के लिए दूसरे का इस्तेमाल करने में तुल गया, ठीक है, मैंने इस्तेमाल करने के लिए तुल गया। अब आगे बढ़ते हैं। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। चलिए देखते हैं, कहा जाता है कि 1871 का जमाना यूरोप में अगर कहीं गंभीर राष्ट्रवादी तनाव था तो वह था बाल्कन क्षेत्र। देखें, इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इस क्षेत्र में क्या क्या थी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग था और इसका कास्ट सिस्टम अलग था, जाति, कास्टिज्म। इसमें क्या थे, कौन कौन, आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया,
यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो शामिल थे। आप लोग जाइए नाश्ता करके आइएगा, नाम याद हो जाएगा। तो बालकन प्रदेशों में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि बालकन प्रदेश के किन्हीं एक देश का नाम लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतने सारे देश है तो इनका जो जमीनी स्तर है वो अलग था, जमीन का बनावट था अलग था, उस जमीन के अंदर में जो जातियों का जो सिस्टम था वो भी अलग था। जैसे हिंदुस्तान में कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई ये है, तो इस तरह से वहाँ क्या, तो वहाँ भी कुछ तो उनका भी कुछ जाति होगा और उनका जाति बहुत भिन्न भिन्न था। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर सलाव पुकारा जाता था। तो जितने भी देश के नाम लिए, मेरे द्वारा जितने भी देशों का नाम लिया गया, उन सभी देशों के जातियों को, निवासियों को, लोगों कर आम तौर पर सलाव जाति कहते थे। क्या? सलाव। तो बालकन क्षेत्र के जातियों को क्या कहा जाता था? सलाव। आप लोग याद रखिएगा, एमसीक्यू हम नहीं बोल रहे हैं ना, एमसीक्यू। तो बालकन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बालकन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? ओटोमन साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ 2। बालकन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। कहा जाता है जब रूमानी कल्चर, रूमानी मतलब समझते हैं, अपनी संस्कृति को बचाते हुए जब कोई राष्ट्र को बनाता है वो रूमानी कल्चर था। तो बालकन प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था और ओटोमन साम्राज्य के विघटन, जब ओटोमन साम्राज्य टूट गया तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई, मतलब तनावपूर्ण। चलिए तनावपूर्ण। उन्नीसवीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा था। क्या बोलता है कि 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य इन बालकन प्रदेशों को आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए, जो इंटरनल इशू था, जो उनके अंदर में जो परेशानी थी, उसको सुधार के उन क्षेत्रों को आधुनिक दुनिया से जोड़ के मजबूत बनाना चाहता, किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली। लेकिन इसमें सफल नहीं हुआ, एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकल कर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और एक के बाद एक राज्य ओटोमन साम्राज्य के अधीन उनके कंट्रोल से निकलना चाहते थे और निकलने के लिए तैयार भी हो गए और अपनी आज़ादी के लिए घोषणा करने लगे। बालकन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का उधार दिया। क्या दिया? जितने भी बालकन लोग थे, बालकन प्रदेश के जो पीपल्स थे, वो आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को, जो उनका आज़ादी का जो दावा था, उनको राष्ट्रीयता का आधार दिया। यानी कि बोला कि राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, कि हम अपने देश हैं, हमारा अपना देश है। मान के चलिए कि मैसेडोनिया एक देश है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैसेडोनिया एक देश है, अब मैसेडोनिया के लोग ओटोमन साम्राज्य के पहचान से नहीं रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें मैसेडोनिया के हिसाब से जाना जाए। हम देश हैं तो हमारा मैसेडोनिया, वही राष्ट्रीयता, वो देश का पहचान के लिए वो लड़ रहे थे। अब देखिए बालकन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अब ये जो बालकन के लोग थे वो कहने के लिए बार बार चिल्ला रहे थे कि हम इतिहास में आज़ाद थे,
हमारी इतिहास उठा के देख लो, हम हमेशा से इंडिपेंडेंट थे, हम किसी के अधीन नहीं थे। लेकिन विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया, लेकिन विदेशी शक्तियों ने, बाहर की ताकत ने उन्हें बांध लिया, जकड़ लिया, और अब हमें आज़ादी चाहिए। अतः बालकन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। अब जो बालकन प्रदेश के जो विद्रोही थे, विद्रोही अमूमन उन्हें कहा जाता है जो अपने सिस्टम से नाराज होते हैं और सिस्टम के खिलाफ जाते हैं, चाहे वो सत्ता हो या कोई भी चीज हो, चाहे सरकार हो, अगर उनके खिलाफ जाएंगे तो प्रयास लंबा करना पड़ेगा, तो वो विद्रोही कहलाते हैं। इसी तरह बालकन में विद्रोहियों ने अपना संघर्ष, अपना स्ट्रगल को बहुत लंबा समय तक किया और करने के बाद खोई आज़ादी को वापस पाने के रूप को देखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे विभिन्न सलाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बालकन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। कहा जाता है जैसे जैसे समय बीतते गया, सलाव लोगों ने, राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान, यानी सलाव लोग जो थे, जितने भी देश थे, वो अपना राष्ट्र, अपना पहचान बनाना चाहते थे और स्वतंत्रता की परिभाषा, वो डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो भी स्वतंत्रता का वर्ड मीनिंग समझते थे, वो कोशिश किया कि बालकन क्षेत्र को अलग करे अपने देश में, या बालकन क्षेत्र में जो अलग अलग राष्ट्र वो बनाए, तो वहाँ पे टकराव फैल गया, वहाँ पे झगड़ा शुरू होने लगा। बालकन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। अब बालकन राज्य में ऐसा था ना कि कहा बोले, वहाँ अपने में झगड़ा था, ठीक है, अपने में झगड़ा था, यानी कि एक दूसरे से वो खुद ईर्ष्या नफरत करते थे, नहीं समझते हैं, शेख अपन देख, यही था वहाँ, जेकर चुएला से छारेला, वो हवा था। हर एक राज अपने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। हर एक राज्य क्या था, अपने से ज़्यादा, अगर कोई दो हिस्सा में है तो तीन चाहता था, कोई एक रोटी खाता है तो तीन खाना चाहता था, महान था इन लोग। तो बोला ना कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और अधीन जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बालकन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब देखिए भाई, यहाँ पे जब कोई भी राजा अपना राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ भी कदम करने को तैयार हो जाएगा, तो हर एक पावरफुल स्टेट दूसरे को रोकेगा। तो वहाँ जितने पावरफुल स्टेट थे वो अपने में लड़ने लगे और उनमें कंपटीशन भी बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए, इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बालकन समस्या आगे बढ़ी, उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी कि हर ताकत बालकन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे यह इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यहाँ रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत बालकन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके, ये जितने भी देश थे वो बालकन पर दूसरे देशों के शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए मजबूर किए। लेकिन इसी का रिजल्ट क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार, WW। इसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि बालकन प्रदेश क्या था, उड़ेक जहर था। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक ड्राइंग है, सॉरी, हाँ, यह भी चित्र है ब्रिटिश साम्राज्य का। यह सागान
करता है एक मानचित्र और आगे देखते हैं। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, जब साम्राज्यवाद से यानी कि लोग अपने राज्य को बढ़ाने के बाद से जब उनमें फीलिंग आया राष्ट्रवाद का, तो 1914 में यूरोप को महाविपदा मतलब भयानक प्रलय बहुत घनघोर खतरे से ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देश लेकिन इसी बीच दुनिया के बहुत सारे देश थे जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था। 19वीं सदी में यूरोप शक्तियों ने औपनिवेश किया था यानी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका शोषण हनन उन पर राज किया था यूरोप के शक्तियों ने। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे, ये कि साम्राज्यवादी मतलब अपने राज्य को बढ़ाया जाए, इन सब का विरोध हुआ क्योंकि यूरोप वाले जहाँ भी जाते उन्हें गुलाम बनाते, वहाँ पे अपना सिस्टम चलाते, इन सब का विरोध होने लगा। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जितने भी दुनिया में देश था जो दूसरे के कंट्रोल में थे वे अपने आप को आज़ादी चाहते थे, ठीक है। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। इतना दुनिया में झगड़ा ही हो रहा था तो हर एक झगड़े की खबर दूसरे को लग रही थी ना, इसलिए सबको चाहता था कि हम अपना राज्य बनाए। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए। राष्ट्रवाद का जो यूरोपीय विचार था वो कहीं और नहीं दोहराया गया क्योंकि वहाँ नाम राष्ट्रवाद का नाम लेके साम्राज्यवाद को भी बढ़ाया गया था, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी ताकत का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार के समाजों को राष्ट्र में गठित किया जाना मगर देखिए कि विचार के समाजों को राष्ट्र राज्य में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। लेकिन राष्ट्र राज्य में गठित करना विचार को ये स्वाभाविक हाँ ये होना चाहिए और सार्वभौम मान लिया यानी कि सारे भूमि में मान लिया गया। तो ये था आपका साम्राज्यवाद। और हाँ अब ये क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। मुझे लगता है कि हम कुछ चीज़ छोड़ दिए हैं, उसको हम थोड़ा सा दोहरा लेना चाहते हैं। तो क्या छूट गया, हम थोड़ा सा भूल गए। हाँ एक टॉपिक छूट गया है जिसे हम लोग को दोहराना बहुत ज़रूरी है। चलिए राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरे कैसे दिया जा सकता है। कोई भी शासक को कोई भी सरकार को उसको चेहरा देना आसान है, ठीक है, उसका ये चेहरा मान लिए वो चेहरा मान लिए बहुत आसान, लेकिन किसी देश को कैसे हम चेहरा माने ये कैसे करें ये मुश्किल है। तो इसी को हम लोग देखते हैं, ये लास्ट है और लास्ट को नहीं छोड़ें। 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया यानी देश को इंसान से जोड़ा। देखिए कैसे, दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया, देश को चित्रित किया यानी कि ड्राइंग से प्रदर्शित शो किया, जैसे वह कोई व्यक्ति हो, जैसे का वह हो, जैसे वह कोई इंसान हो। उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया, उस समय राष्ट्र को नारी भेष में किया किया जाता राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। तो राष्ट्र को जिस तरह से पहचाना गया, पहचान दिया गया, उस तरह से असल जीवन में क्या थी, असल में कोई खास महिला नहीं थी, कोई रियल महिला नहीं थी, यह कल्पना था या तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी देश को एक अच्छा कैमरे में नहीं, एक चित्र में दिखाना, एक अच्छा देश को उतारना यानी कि एक प्रयास था। और यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, नारी का छवि राष्ट्र का पहचान बन गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया।
आप लोग पहले पेज में भी पढ़े हैं, फर्स्ट में भी, फ्रेडरिक सोरियो ने भी नारी में रूपक प्रदान किया, इसी तरह फ्रांसीसी कलाकारों ने भी किया, तो फ्रेडरिक सोरियो तो फ्रांसीसी कलाकार था, तो वही आदर्श विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया। आप लोग देखे हैं स्पेशल सिंबल था, प्रतीक किया गया। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांतिकारी, ये तो हम पढ़ लिए कि न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग, यानी फ्रांस के कलाकारों ने भी देश की खूबसूरती, देश की समृद्धि, देश की एकताई को दिखाने के लिए नारी रूप का उपयोग किया था। ठीक है, इन्हीं आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया। तो क्या किया गया था, विशेष वस्तु प्रतीक मतलब चिन्ह व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई और वह तराजू लिए हुए। आज भी आप ऑर्डर मिलोट फिल्मों में रियल में देखते हैं कि कानून अंधा है कहते हैं, तराजू पकड़े हुए, ठीक है, काला पट्टी, लेकिन वहाँ क्या था देखिए कि लाल टोपी या टूटी जंजीर, ठीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, माने कि आज़ादी का चिन्ह था लाल टोपी या टूटी जंजीर या टूटा हुआ जंजीर, सिकड़, टूटल सिकड़, और इंसाफ को आमतौर पर, अगर इंसाफ को देखा जाए फैसले को, तो एक ऐसी महिला के रूप में देखा जाता था, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्या है, आँखों में पट्टी और वह तराजू लिए हुए, तो आप देखे ही है, तो यह भी नारी रूप है। इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने, देखिए नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया, तो फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, तो फ्रांस में लोकप्रिय नाम ईसाई, लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, यानी कि फ्रांस में क्या नाम दिया गया, मरियान, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसमें क्या, मरियान में क्या दिखाया गया, चित्रकारों द्वारा जन राष्ट्र, लोगों का राष्ट्र को रेखांकित, रेखांकित मतलब दर्शाना, चिन्ह कर भी स्वतंत्रता और सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, कहाँ कहाँ लगाया गया देखिए, नहीं सॉरी यहाँ पे थे, स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, कौन सा पहचान, वो पहचान थी आज़ादी के और गणतंत्र के, लाल टोपी तिरंगा कलगी, देखिए यहाँ पे है लाल टोपी तिरंगा और कलगी, ये वाला माथा में, ठीक है, ताकि जनता को एकता का राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। हाँ, किसका, एकता का प्रतीक लगे, कि लाल टोपी भी है, तिरंगा भी है, कलगी भी है, ऊंच नीच गरीब अमीर सबको रखे हुए, उसमें तादादमय स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई, मरियान का जो कैरेक्टर था उसको सिक्का में भी दर्शाया गया, डाक टिकट मतलब डाकियां डाक ले लो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस चचा में भी दर्शाया गया। इसी तरह जर्मेनिया, इसी तरह कौन थी, जर्मेनिया, जर्मन से जर्मेनिया, जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष, जर्मेनिया क्या है, बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत का वीरता का प्रतीक है। अब जर्मेनिया को बलूत वृक्ष का पत्ता का मुकुट, मुकुट मतलब ताज, ठीक है, क्यों पहनाता है, क्योंकि जर्मन में लोग बलूत को वीरता का प्रतीक मानते हैं, क्या मानते हैं, वीरता का प्रतीक। देखिए अब ये क्या है, जर्मेनिया, यहाँ पे है फ्रांस, ये देखिए मरियान का डाक टिकट है, हाँ, फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करता, हम जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, देखिए 15C पोस्टेस, 15C उसका लैंग्वेज है। चलिए और ये क्या है, ये देखिए नीचे जर्मेनिया चित्रकार फिलिप वेट। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि जर्मेनिया चित्रकार, यानी जर्मेनिया को बनाने वाला चित्रकार का क्या नाम था, फिलिप वेट, कब बना, 1848।
जर्मेनिया के चित्र में सूती झंडे पर बनाया गया, चूँकि सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, जहाँ मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई थी। देखिए रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है। रूपक क्या होता है? तो रूपक मतलब पहचान, दिखाना, दर्शाना। तो बोलता है किसी अमूर्त विचार, अमूर्त विचार जिसको हम व्यक्त ना कर सके, बता ना सके, इतना अच्छा विचार, जैसे कि लालच, लालच को दिखाना, ईर्ष्या कि कैसा राजा है, ईर्ष्या घमंडी राजा, स्वतंत्रता, आज़ादी और मुक्ति को दिखाना हो, तो हम या तो किसी व्यक्ति में या किसी चीज़ के जरिए इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। एक रूपात्मक कहानी, रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेन चीज़ होता है, टूटी हुई बेड़ियाँ गुण, प्रतीकों का अर्थ, जो भी प्रतीक है, टूटी हुई बेड़ियाँ महत्व, आज़ादी मिलना। और टूटी हुई बेड़ियाँ का देखिए, जब किसी चीज़ को बांधते हैं तो बेड़ियों से, सिकड़ों से, और अगर वो चीज़ टूट जाए मतलब क्या हुआ, आज़ाद। तो टूटी हुई बेड़ियाँ कहने का मतलब आज़ाद। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है बाज छाप कवच, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति। बाज छाप, बाज तो समझते हैं ना, चील बाज, उसका कवच मतलब उसका सुरक्षा वाला, एक गोल सा नहीं होता पकड़े बचाने वाला, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पतियों का मुकुट, बहादुरी। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूस ने प्रतिबंध घोषित कर दिया। अब उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात। यानी हम इतना जितना भी बताएं ना, ये सब MCQ में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इतना बताएं, नहीं तो नहीं बताते। हो गया, यही है जर्मेनिया। ठीक है, द फॉलन जर्मेनिया यानी हताश जर्मेनिया, इसको बनाने वाला कौन था, तो जूलियस ह्यूबर 1850 में। ठीक है, ख़त्म हो गया। ये है मरियान, ये जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया, लिखा हुआ है ना, देखिए पढ़ लीजिए, जर्मेनिया राइडिंग द गाइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। ये 1860 का फोटो है, कौन बनाया था, लॉरेंज क्लासेन, याद रखिएगा, और बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। तो ये हम सब बता रहे हैं आपको, ये सब MCQ के नाते बता रहे हैं। ये अभी हम पढ़ा दिए, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद ख़त्म होता है। अब अगला वीडियो जो होगा वो सारा MCQ बेस पे होगा, नोट्स पे होगा। ठीक है, तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा, अगला वीडियो हम बोर्ड में बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा वीडियो में लंबा टाइम हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक खाइए पिए, आराम कीजिए, बाय बाय।